नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, पेंशनर का पेंशन अपडेशन और एक्सग्रेसिया दोनों के बारे में कुछ पता नहीं, ना कोई अपडेट। और ऐसे में एक्चुअली सीएच वेंकटचलम का जो रुख है, जो अप्रोच है पेंशनर के प्रति, पेंशन अपडेशन के प्रति, वो आप सुनिए। सीएचवी सेडी ने पेंशनर्स फ्रंट मीटिंग इन चेन्नई रिसेंटली, आईबीए रिफ्यूजेस टू टॉक अबाउट पेंशन अपडेशन सिंस यू पीपल हैव गॉन टू वेरियस कोर्ट्स एंड मेक द इशू सब जुडिस। आई एम कीपिंग द ड्राफ्ट कॉपी ऑफ 12 बीपीएस इन माय पॉकेट, बट आई विल नॉट रिवील एनीथिंग नाउ। यू पीपल आर वर्किंग ओवर टाइम नाउ देन व्हेन यू वेयर इन द सर्विस। I am receiving mails from the serving employees till 11 p.m. Whereas I am receiving mails from pensioners throughout night till dawn. I know pensioners are reserving so many helps for me. For AIBA prevention of the privatization of nationalized banks is the most urgent. Important thing, if the bank are privatized, you people should forget getting pension itself. Leave alone for getting pension updation. Take for instance Lakshmi Vilas Bank case. DBS Bank put the condition for takeover of denying pension as a third benefit to the LVB employees, and it was accepted. Now erstwhile LVB employees lost their pension benefit. Government is very serious of the privatizing Central Bank of India, Bank of Maharashtra, IDBI Bank, Bank of India, etc. for immediate privatization. So pensioners should have more concern about their pension than pension updation. No bank is having money to meet pension updation cost. That is the reality. Government has capped the amount to more 25 crores for employees welfare fund instead of 2% of the gross profit earlier. Survival of banks is more important for survival of pensioner and so on. आपको motivate करने के बजाय डराया गया, privatization हो जाएगा, पहले बैंक बचाइए, पेंशन बचाइए, फिर पेंशन अपडेशन की बात करिए। और जिन बैंकों का नाम लिया, LVB, DS, DBS, इन बैंकों के बारे में वेंकटचलम ठीक से जानते हैं। अगर सर ये सारे थ्रेट्स हैं, तो सारे थ्रेट्स के बावजूद अगर आप कुछ नहीं कर सकते, तो व्हाई आर यू सिटिंग ऑन द चेयर? अगर आपके रहते प्राइवेटाइजेशन हो ही जाएगा, तो आपके रहने न रहने से फायदा क्या होगा? आम बैंकर, आम पेंशनर भी आपकी तरह पढ़ा लिखा समझदार है और सब कुछ समझता है। अगर आप बात करते हैं कि मनी नहीं है बैंकों के पास, तो आप क्यों नहीं शो करते कि किस बैंक के पास कितना फंड है? आप क्यों नहीं बात करते? सीधी सी बात है कि आपके अपने पॉलिटिकल एजेंडा है, आपके अपने सेल्फ इंटरेस्ट है। सो यू आर थ्रेटनिंग द पेंशनर्स। और पेंशनर ही क्या, आपने सर्विंग एम्प्लॉयज के लिए भी कोई ऐसा काम नहीं किया जो लगे कि वाकई यू आर द ट्रेड यूनियनिस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।